हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका 24 को EMRS का एग्जाम है एंड उसको देखते हुए मैं आपको जो 8-10 दिन बचा है उसके अंतर्गत मैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अपलोड किया है, कल बिजी होने के कारण मैं दूसरा सेट शाम को अपलोड नहीं कर सकी और आज से आपका दोनों टाइम अपलोड होगा। जैसा कि आपने BPSC एग्जाम दिया है उसमें मैंने प्रैक्टिस कराया था आपको, क्लास 11-12 का भी मैराथन क्लास दिया था एंड ऐसे ही 15-20 प्रैक्टिस कराया था, उसको भी वीडियो आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, जैसा कि अब आपके यूपी में भी वैकेंसी अच्छा खासा आने वाला है, तो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी न किसी एग्जाम में सबका हो जाएगा। तो दोस्तों, यही आपका मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए, आप सब पढ़े ही हैं, बस प्रैक्टिस करके अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारना है। तो और थ्योरी सेशन पर थोड़ा गहराई से ध्यान दीजिए, जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ चुका है अच्छे से, वो अपना प्रैक्टिस कर करके अपने सभी डाउट को क्लियर कर ले, क्योंकि डाउट रहने से आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं हल हो पाते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, बस यही कोशिश करिएगा कि आपका इजी क्वेश्चन गलती ना हो। ज्यादातर हम लोग कठिन क्वेश्चन दिमाग लगा के हल कर देते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सेट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेनिस खेल की अंक प्रणाली क्या है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि वही क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। तो टेनिस खेल की अंक प्रणाली क्या है? तो दोस्तों, टेनिस खेल की अंक प्रणाली जो है, लव 15-30-40 गेम इस प्रकार का होता है। यहाँ पे लव का अर्थ होता है, यानी शून्य अंक को लव बोला जाता है और एक अंक को 15 बोला जाता है और दो अंक को 30 बोला जाता है और तीन अंक को 40 बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार जबकि चौथा अंक के जीतने पर खिलाड़ी एक गेम जीत जाता है, यानी गेंद को नेट में मारता है, गेंद को इस प्रकार मारता है कि वह बिना प्रतिद्वंदी के पाले में बाउंस किए मैदान से बाहर चली जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 100 मीटर के एक धावक का ऑफिशियल समय क्या होगा यदि तीन अलग अलग टाइम कीपर का समय क्रमशः 11:45, 11:48 और 11:41 सेकेंड है, तो क्या होगा? दोस्तों, तो जो बीच का समय होगा उसको लिया जाएगा। जब तीन घड़ियां हैं, तीन समय है, तो बीच का समय क्या हो जाएगा? 41, 45, 48। तो 41 से 48 के बीच में कौन का बीच समय आ रहा है? तो 11:45 आ रहा है, तो यहाँ पे 11:45 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि शब्द डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? ये शब्द, ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है डबल फॉल्ट शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट कौशल संबंधित है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड तो हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट कौशल किस खेल से संबंधित है? तो यह भी संबंधित है आपका टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने अनुभव किया है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, ये BPSC में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें स्टेमिना एंड एंडोरेंस दो चीज दिया हुआ था, दोनों का मतलब सेम होता है और बहुत सारे लोग उसमें कन्फ्यूजन हो के केवल एंडोरेंस लगा दिए हैं, तो इसलिए उस ऑप्शन में आपका एक से अधिक सही वाला ऑप्शन राइट हुआ होगा, हुआ है। तो दोनों चीजों को ध्यान में पढ़िएगा, जैसे कि प्रोटीन, जब भी स्ट्रेंथ की बात आए तो प्रोटीन, जब इंडोरेंस यानी सहनशीलता की बात आए तो कार्बोहाइड्रेट ही मोस्ट होगा आपको लेने के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलत मत कीजिएगा। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है, इन सभी ऑप्शंस में सोयाबीन सबसे मोस्ट है आपके
प्रोटीन का स्रोत के लिए, ठीक है। ये मसल्स बिल्ड करता है, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, शक्ति को डेवलप करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो सहनशीलता को, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट पुट में सेक्टर का एंगल कितना होता है। दोस्तों शॉर्ट पुट में सेक्टर का जो एंगल होता है कितना होता है, तो शॉर्ट पुट में जो सेक्टर का एंगल होता है, शॉर्ट पुट हो गया 34-92 होता है, कितना होता है 34-92 अंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। तो शॉर्ट पुट यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो एंड डिस्कस थ्रो, इन तीनों में सेक्टर का जो एंगल होता है, कोण होता है फेंकने का, वो 34-92 अंश ही होता है, और जबकि जेवलिन थ्रो में 29 अंश होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस चीज की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। तो दोस्तों आप सबको तो पता है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात को दिखाई नहीं देता है जिसमें। लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही नहीं पूछ सकता जैसे आप सोच रहे होंगे मैंने इजी क्वेश्चन लेके आया है, नो, ऐसा ही क्वेश्चन जैसे कि इस एक क्वेश्चन से मैं 3-4 क्वेश्चन बना रही हूँ। तो जैसे कि पूछेगा कि रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग में विटामिन ए की कमी से तो होता है, लेकिन ये आंखों में होता है ये भी पता है आपको, लेकिन ए इसमें कौन सा सेल जो है वो प्रभावित होता है या ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हमारे आंखों में रोड सेल और कौन सेल होता है, ठीक है, हमारे रेटिना में, हमारे आंखों में रोड सेल और कौन सेल होता है, तो रोड सेल जो है वो मंद प्रकाश में वस्तुओं को देखने यानी अंधेरे और उजाले में फर्क बताता है, और जो कौन सेल होता है वह तेज प्रकाश में वस्तुओं के रंग को बताता है। तो दोस्तों जो हम नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो रात में नहीं देख पाते हैं, यानी रात में मंद प्रकाश में देखने का कौन सा काम करता है सेल, तो वो होता है रोड सेल। तो यानी कौन सेल प्रभावित होता है रतौंधी में नाइट ब्लाइंडनेस में, तो रोड सेल। क्वेश्चन आएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी में आंखों का कौन सा सेल प्रभावित होता है, कोशिका प्रभावित होती है, ग्रसित होती है, तो वह रोड सेल जब खराब हो जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाती है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, जिसमें रंग हम नहीं देख पाते हैं, वस्तुओं के रंग को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसमें लाल हरा और नीला, लाल हरा रंगों को देखने में दिक्कत होता है, तो उसमें जो है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में जो कौन सेल ग्रसित हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि कौन सेल क्या करता है, तेज प्रकाश में वस्तुओं को देखने का काम करती है। तो इसलिए क्वेश्चन यदि पूछेगा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा आंखों का सेल जो है वो खराब हो जाता है, तो कौन सेल, एंड नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी में कौन सा खराब होता है सेल, तो रोड सेल, याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता में कौन सा रंग देखने में ज्यादा दिक्कत होता है, तो लाल हरा रंग, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा क्योंकि डीपली आपको पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से आजकल कोई काम चलने वाला नहीं है। अब विटामिन ए को कैरोटीन पिगमेंट्स के निर्माण में सहायक होता है, मुख्य चीज ये याद रखिए। और विटामिन ए को ग्रोथ विटामिन, वृद्धिकारक विटामिन भी बोला जाता है। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन यानी एंटी फंगल विटामिन भी बोला जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और केवल रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस ही नहीं होता, इसके अंतर्गत जो है एक्जिरोथैल्मिया रोग हो जाता है, कंजक्टिवल जिरोसिस हो जाता है, बाइटोट धब्बा हो जाता है, एंड ये सभी रोग हो जाते हैं आपके विटामिन ए की कमी से, ठीक है। करेटो मलेशिया हो जाता है, यदि आपको पूछ देगा करेटो मलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपने याद किया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस, बस दो ही, तो सभी चीजें क्लियर होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि हार्वर्ड स्टेट टेस्ट एक परीक्षण है जो मापता है, तो इसको आप पढ़ते पढ़ते हर एक वीडियो में खुद आपको कंठस्थ हो गया है। तो यह आपका मापता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस यानी फिटनेस को मापता है, जिसकी खोज 1943 में ल्यूसिन ब्रोहा ने किया था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हर बार पूछ भी लिया जाता है, एक कूपर टेस्ट 12 मिनट, एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हर बार पूछ ही लिया जाता है, इसलिए उसमें गलती मत कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है किस क्रिया में लैक्टिक एसिड तंत्र कार्यरत होता है। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड तो 100 मीटर में बनता है, आपको पता है जो हम अनएरोबिक क्रियाएं होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और एंड्योरेंस वाले में लैक्टिक एसिड बनने के बाद वो खत्म हो जाता है, यानी एक मेंटेन हो जाता है, आप एंड्योरेंस डेवलप एक गति से कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो लैटिक एसिड जो है बनेगा तो 100 मीटर में बनेगा, बट कार्यरत रहता है, मतलब एक फेज में बना रहता है, तो वो 1500 मीटर दौड़ में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आंसर आपको कुछ और आता होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ डाउट होगा, तो आप लोग क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी डाउट है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं जो ज्ञानवान लोग हैं विशेषज्ञों से, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि लैक्टिक एसिड बनता है, उसमें ऑप्शन रहेगा एरोबिक अनएरोबिक, तो उसमें अनएरोबिक राइट रहेगा, ठीक है। अनएरोबिक क्रियाओं में लैक्टिक एसिड बनता है, एरोबिक वहां राइट नहीं रहेगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ वाले होते हैं, कम समय की क्रियाएं होती हैं, और एंड्योरेंस वाले में लैक्टिक एसिड नहीं रहेगा, अब याद रखिएगा, क्योंकि जो हम स्ट्रेंथ यानी कि अनएरोबिक क्रियाओं में जो हमारे शरीर में जो है ऊर्जा है, हमने जो जमा हुआ है ऊर्जा, और उसका हम उपयोग करते हैं, जो ऊर्जा हमारे शरीर में बना हुआ है, जबकि जब एंड्योरेंस वाला खेल होता है या क्रिया होता है, उसमें उस ऊर्जा का प्रयोग होता है जो हमारे शरीर में फैट मत के रूप में, वसा के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा है, उस ऊर्जा को दहन करके ऊर्जा बना करके ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है एंड्योरेंस में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि 12 मिनट कूपर रन या पैदल चाल परीक्षण मापता है, तो यह भी क्या मापता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। इसके बारे में मैंने कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिक ताकत वाली क्रियाओं के लिए हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर दे दिया होगा, ताकत शब्द यानी कि स्ट्रेंथ का प्रयोग किया है, तो अधिक ताकत में क्या होगा, मांसपेशी बिल्ड होगी, तो मांसपेशी बिल्ड यानी शरीर का निर्माण करने में काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ताकत के स्थान पर स्टेमिना यानी कि एंड्योरेंस होता तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो दोस्तों स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वह है आपका सुब्रतो कप। कौन सा है राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता, सुब्रतो कप, ठीक है। जैसे कि दोस्तों फुटबॉल सुब्रतो कप जो है राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है, और जो 1960 से यह प्रारंभ है, और अंतर विद्यालय ट्रॉफी इसमें दिया जाता है। जैसे कि फुटबॉल में सीनियर पुरुष के लिए संतोष ट्रॉफी 1941, संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ था। बीपीएससी में क्या क्वेश्चन आया हुआ था तो याद रखिएगा, आ भी सकता है अगले एग्जाम में भी, तो यह आपका था कि नॉकआउट आधार पर खेला जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है, तो वहां पे संतोष ट्रॉफी है, तो इसको याद रखिएगा कि यह नॉकआउट आधार पर खेला जाता है। एंड और है दोस्तों जूनियर पुरुष के लिए डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, फुटबॉल में बीसी राय ट्रॉफी या बीसी गुप्ता, दोनों में अंतर रखिएगा, बीसी राय ट्रॉफी रहेगा तो फुटबॉल, बीसी गुप्ता ट्रॉफी रहेगा तो बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड सब जूनियर पुरुष के लिए मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी है, एंड फुटबॉल के लिए अंतर विद्यालय ट्रॉफी यानी कि सुब्रतो कप है, सीनियर महिला के लिए बेगम हजरत महल ट्रॉफी है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी के अंतर्गत आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी है, उसके अलावा आपका मर्डेका कप, चकोला कप, गोल्ड ट्रॉफी, फीफा कप, कोपा कप, नेहरू कप, डीसीएम कप, लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, नेहरू गोल्ड कप, ये सभी चीजें हैं। तो कलिंगा कप, सीजर्स कप, नागजी ट्रॉफी, बिट्टल ट्रॉफी, पैसिफिक ट्रॉफी कप, ये सभी चीजें रिलेटेड है आपके फुटबॉल से। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लीन एवं जर्क एवं स्नैच संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्लीन एवं जर्क एंड स्नैच संबंधित है किस गेम से, तो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक ही परीक्षण के प्राप्त अंकों के बीच सफल समरूपता ज्ञात की जा सकती है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक परीक्षण हम कर रहे हैं और उसको सर्टिफाई करने के लिए विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, क्या किया जाता है, एक परीक्षण को किसी एक समूह पर प्रयोग किया जाए और इस हेतु दो से अधिक एक्सपर्ट को
उसके ऑब्जर्वेशन के लिए बैठा दिया जाए और वह परिणाम एक जैसा आए सबका, तो कहा जाएगा कि वह परीक्षण जो है वस्तुनिष्ठ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिविटी को वहां पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी द्वारा राइट होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि शिक्षा का कौन सा दर्शन प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान से क्वेश्चन हमेशा रहेगा, तो वहां पे टेक्निकल शब्दों को ध्यान रख के जाइएगा। तो दोस्तों व्यवहार प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, तो व्यवहारवाद वास्तविक को जाना जाता है, जिसको हम प्राग्मेटिज में एक्सपेरिमेंटिज में बोला जाता है। इसके प्रवर्तक हैं जॉन डेवी। जैसे कि आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आया था प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है, तो विलियम वुंड है, तो आया ही था। एंड सोमेटोटॉइप सिल्ड्रन का भी आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों स्वीडिश मसाज के पिता कौन है, तो स्वीडिश मसाज के पिता हैं पर हेनरिक लिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से जिम्नास्टिक का कौन सा उपकरण महिला उपकरण नहीं है। तो याद रखिएगा जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए 6 एंड महिलाओं के लिए 4 होते हैं, और जिसमें से महिलाओं में होता है 4, जैसे कि मैं जिम्नास्टिक में ट्रिक के साथ याद कराई हूँ। तो महिलाओं के लिए ट्रिक है फ्वासी बे, क्या है महिलाओं के लिए जो जिम्नास्टिक है उसका ट्रिक है फ्वासी बे। ठीक है, यानी कि फ्वा से फ्लोर हो गया, वहां से वाल्टिंग हार्स हो गया, सी से सिमेट्रिकल बार यानी कि इन इवर बार, वे से वेलेंसिंग बीम। तो यहाँ पे आपका ए भी है, फ्लोर एक्सरसाइज है, वाल्टिंग टेबल है, वेलेंसिंग बीम है, बट आपका पामेल हॉर्स नहीं है, यह पुरुषों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी हड्डी व्यक्ति के लिंग ज्ञात करने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेल्विक की अस्थि, जो है जो महिलाओं की होती है वो चौड़ी होती है और पुरुषों की जो है संकुचित होती है, तो यहाँ पे लिंग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं होता है। यहाँ पे ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ये तैराकी की तकनीक है 4, एंड इसमें सबसे तेज रफ्तार वाली होती है फ्री स्टाइल, सबसे ज्यादा स्पीड वाली। एंड यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं किया जाता है, तो वो होता है आपका कौन सा पूल के बाहर से शुरू नहीं किया जाता है, तो बैक स्ट्रोक। ठीक है, बैक स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं किया जाता है, तो बैक स्ट्रोक, उसके अलावा सभी पूल के बाहर से शुरू किया जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी उम्र यौवन से संबंधित है। तो उम्र ज्ञात करने के लिए 4 विधियों का मैंने बताया हुआ है कि क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज, ये 4 विधियां हैं उम्र ज्ञात करने के लिए, जिसमें से आपका क्रोनोलॉजिकल एज में क्या किया जाता है, जो हम वास्तविक रूप से इसको स्कूल एज, जो जन्म से जन्म दिन दिन वर्ष महीनों में ज्ञात किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, एंड एनाटॉमिकल एज, जो हमारे अस्थियों एंड दांतों की गणना किया जाता है, एंड फिजियोलॉजिकल एज, जो होता है हमारे शरीर में जो यौवना अवस्था में चेंजेज होते हैं हार्मोनल चेंजेज, उससे ज्ञात किया जाता है। मेंटल एज जो है आपका ज्ञात करने का सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। तो यहाँ पे यौवन से संबंधित बात कर रहा है दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो गहराई से समझिएगा। तो ये है आपका कौन सी उम्र यौवन से संबंधित है, तो ये है फिजियोलॉजिकल एज, उम्र यानी कि शरीर क्रियात्मक एज, जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं यौनावस्था में, उससे आपकी उम्र ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, डायनेमोमीटर वह उपकरण है जो माप करता है। तो आप सबको पता है कि यह मांसपेशी की ताकत यानी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, ओलंपिक के झंडे का आधार रंग क्या होता है। दोस्तों ओलंपिक झंडे से क्वेश्चन हर बार रहता है, इसलिए इसके सभी चीजों को क्लियर रखिएगा कि किसने बनाया था, कब अपनाया गया था, कब ओलंपिक सबसे पहले फहराया गया। तो इसका जो रंग होता है, आधार होता है सफेद रंग, दुधिया कलर का होता है, जैसा कि आप देखे हैं,
और ओलंपिक झंडे को बनाया किसने, तो बैरन पियर डी कुबर्टिन ने बनाया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कब बनाया, तो 1913 में बनाया। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया था जिसमें कोई भी ऑप्शन 1913 नहीं दिया था, तो आप सब कंफ्यूज होकर के बहुत सारे गलत आंसर टिक कर दिए होंगे, उसमें से इनमें से कोई नहीं राइट था। तो 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने बनाया था, 1914 में मान्यता मिली और ओलंपिक में सर्वप्रथम फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, याद रखिएगा। और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में दो कार्य हुआ है, एक तो ओलंपिक झंडे को सबसे पहले फहराया गया और शपथ ग्रहण भी, सबसे पहले शपथ भी लिया गया 1920 में, याद रखिएगा। एंड ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं, बने होते हैं जो रिंग होते हैं डब्लू, अंग्रेजी के डब्लू आकार के, जिसमें सीक्वेंस वाइज होता है नीला पीला काला हरा लाल, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं जो दुनिया को एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो एक एक पॉइंट आप रखिएगा, क्योंकि ये नहीं है कि आज एक बार एग्जाम में पूछ दिया किसने बनाया, एक बार पूछ दिया कब बनाया, एक बार पूछ दिया कब फहराया गया, तो हर बार अलग अलग क्वेश्चन वही रहेगा, जो आप पढ़े हैं सिलेबस वही वही रहेगा, जो पढ़े हैं वही चीज रहेगा, बट क्वेश्चन उसी चीज के बारे में अलग अलग हर बार पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, त्वरण के नियम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को और क्या कहा जाता है। तो इससे न्यूटन के लॉ के हिसाब से भी क्वेश्चन आया था आपके बीपीएससी में, तो लॉ ऑफ मोमेंटम और संवेग का नियम, ये सभी नामों से जाना जाता है। यहाँ पे आवेग का नियम ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। न्यूटन ने 3 नियम दिया है, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसको जो दूसरा नियम है न्यूटन का, उसे आवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम या संवेग का नियम, यानी इसको क्वेश्चन में यहाँ पे आया था आपके बीपीएससी में क्या आया था कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपका ऑप्शन दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट, रेजुलेंट फोर्स, लॉ ऑफ रिएक्शंस, तो एक्शन रिएक्शन तो आपका हो जाएगा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का, प्रभाव का नियम तो आपका दिया था थंडाइक ने, सिकनी के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें राइट आंसर था आपका परिणामी बल, यानी रेजुलेंट फोर्स भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको इस कंडीशन में आज के समय में आपको ये याद रखना ही जरूरी नहीं है कि न्यूटन ने कितने नियम दिया था, आपको तो सिंपल सा सबको याद हो गया कि त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लेकिन उन सबको टेक्निकली रूप से और क्या क्या नामों से जाना जाता है वो सभी चीजें इस समय आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक वर्गीकरण है। तो ये भी क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो आप सबको कंठस्थ हो गया है। तो जो हमारा आइसोटोनिक कंट्रक्शन होता है दो प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक। जब मांसपेशी छोटी होती है तो कॉन्सेंट्रिक, और बड़ी होती है लंबी होती है तो इसेंट्रिक बोला जाता है, जैसे डंबल अभ्यास के समय। तो इसका एक्सप्लेन हर वीडियो में कर चुकी हूँ, तो इसमें ज्यादा नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, ठीक है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि सर्कमडक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है। तो सर्कमडक्शन जैसे कि जो होता है हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट एंड रोटेटरी मूवमेंट एंड सर्कमडक्शन, ये 4 प्रकार की गतियां होती हैं, और जो कि हमारे शरीर में जो संधि होती है, जोड़ होती है, 3 प्रकार की होती है, चल, अचल और अर्धचल। और गति पूछेगा कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट एंड सर्कमडक्शन। ग्लाइडिंग मूवमेंट आपका जो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकती है, कार्पस एंड टार्सस जॉइंट, जो नॉन एक्सियल मूवमेंट होता है। और एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है कि कोण का बढ़ना और घटना, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। एंड जो हमारा होता है रोटेटरी मूवमेंट में आपका हो जाएगा एब्डक्शन एडक्शन, एंड और आपका जैसे कि इवर्सन इनवर्सन, बहुत सारे हैं जो आउट सर्कमडक्शन में जो क्या होता है, जो सभी क्रियाओं को मिलाकर बनता है, सभी गतियों को मिलाकर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर्कमडक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है। तो क्या मिलने से बनती है दोस्तों, रोटेशन और हाइपर एक्सटेंशन,
ठीक है, रोटेशन एंड हाइपर एक्सटेंशन को मिलने से सर्कमडक्शन मोमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रंगा स्वामी कब संबंधित है, तो दोस्तों यह पुरुष हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा, और महिला हॉकी से लेडी रतन टाटा कब संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शब्द क्यों संबंधित है, तो क्यों शब्द बिलियर्ड से रिलेटेड है, एक होता है कैडी जो आपका गोल्फ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पायोली एक्सप्रेस संबंधित है, तो दोस्तों पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को बोला जाता है और वर्तमान में आईओए की अध्यक्ष भी है, जैसे कि आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये तो आपको बीपीएससी में पूछा हुआ था, अब अगर पूछ देगा वर्तमान अध्यक्ष तो पीटी उषा है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है, तो दोस्तों यह ट्रॉफी जो है खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है और यह शुरू हुआ था 1956-57 में और सबसे ज्यादा बार इसको दिया गया है, मतलब विजेता हुआ है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो 23 बार पा चुका एंड सबसे पहली बार दिया गया मुंबई यूनिवर्सिटी को, ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 30 है, खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच दिया जाने वाला आराम को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है ब्रेक टाइम, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, आसन से सुधारी जा सकती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप कह ही नहीं सकते कि जो आप नहीं पढ़े थे नहीं आया था, सब कुछ पढ़ा हुआ आया था, बस आपका जो माइंडसेट होता है एग्जाम में कैसा होता है, आप पूरा सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, उस पर डिपेंड हो जाता है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। तो आसन से हमेशा जहां भी आसन आ जाएगा वो हमारा लचीलापन शरीर की बढ़ाती है, ठीक है, क्या सुधारा जाता है, शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मोमेंट होता है, उसको हम सुधारते हैं किससे, आसन से, जो भी योगासन शब्द ही आते हैं, अब लचीलापन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अष्टांग योग के प्रथम चार रूप का सही क्रम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन, जो शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया 6 होती है, अष्टांग योग 8 होते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें से प्रथम 4 है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आपके 5 जो है सूर्य के 5 आपका बहिरंग साधन माने जाते हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 लास्ट के जो होते हैं वो अंतरंग साधन, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहिरंग कौन है, अंतरंग कौन है, तो याद रखिएगा शुरू के 5 बहिरंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है, वह साधन है, और अंतरंग में हो जाएगा धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। और आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन इसमें अष्टांग योग के अंतर्गत आता है, और वहां पे ऑप्शन दे दिया था शुद्धि क्रिया का, शुद्धि क्रिया में 6 शुद्धि क्रियाएं होती है, नेटी, दोती, नौली, कपाल भाती, त्राटक, ठीक है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि इनमें से कौन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो ये विंडोज 7 जो है ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है, तो साई की इसमें से एक स्पोर्ट्स स्कीम कौन सी है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक फुटबॉल मैच का सही समय अंतराल क्या है, तो इसमें है 90 मिनट, कितना है 90 मिनट, कितना है 90 मिनट, यानी 45-45 अंक के 2 पारी खेला जाता है एंड बीच में जो मध्यांतर होता है, गैप होता है 15 मिनट का होता है, ठीक है। एंड फुटबॉल की जो बॉल होता है, ये बॉल का भार होता है 396 से 454 ग्राम, यानी कि 14 से 16 औंस होता है, जो फुटबॉल की परिधि होती है 27 से 28 इंच होता है, यानी 68 से 70 सेंटीमीटर, हवा का दबाव 66.66 से 1.1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछा या स्टेट में भी और बीपीएससी मेन एग्जाम में भी, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ईएमआरएस में नहीं पूछेगा, और अन्य एग्जाम में आप देखते हैं कि 8-10 क्वेश्चन गेम से होता ही है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा।
सिलेबस में आपके अगर गेम है तो गेम से पूछेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शब्द फ्री थ्रो संबंधित है, तो फ्री थ्रो शब्द किससे संबंधित है, तो ये बास्केट बॉल से रिलेटेड है। फ्री थ्रो किससे संबंधित है, तो बास्केट बॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की नियंत्रण रखने वाली आधिकारिक संस्था है दोस्तों, तो वो है फीफा, ठीक है, FIFA, फीफा, फीफा जिसकी फीफा की स्थापना जो है, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था, एंड फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था पेरिस फ्रांस में, और इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड है, और वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है, तो याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है कि बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल जो है अमेरिका यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि फीना अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन है, तो दोस्तों फीना है आपका स्विमिंग यानी कि तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, फीना यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, जिसको इसको हम इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ISF भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1908 को लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है। एंड दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फीना के अंतर्गत कौन कौन सा खेल आता है, प्रतियोगिता आता है, तो फीना के अंतर्गत स्विमिंग, डाइविंग यानी कि गोताखोरी, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग एंड ओपन वाटर स्विमिंग भी आते हैं। तो सिंक्रोनाइज्ड शब्द आपका आया था जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, आपके बीपीएससी में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनकस तथा स्टेप अस्थियां पाई जाती हैं, तो आपको पता है जो स्टेपस मसल्स हड्डी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये हमारे कानों में पाई जाती हैं, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कुल 6, एक एक कान में 3, तो यहाँ पे याद करने का आपका ट्रिक है कान की हड्डी को मिस, क्या है, MIS, मिस, मिस से मैलिस, इनिकस और स्टेपिस, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, एंडोमोर्फ क्या दर्शाता है, तो दोस्तों मैंने आपको जो बॉडी टाइप है उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि जो हमारा एंडोमोर्फ है और जो हमारा सेल्डन का बॉडी टाइप वर्गीकरण है, एंड जो हमारा क्रेसमर का है, तो क्रेसमर ने बॉडी टाइप को 3 भागों में यानी कि 4 भागों में बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से 3, क्या, पिकनिक यानी गोलकाय बॉडी, एथलेटिक सुडोलकाय, स्थानिक लंबकाय, और वही भी सेल्डन ने बांटा है एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक, तो जैसे एंडो, मोइसो, एक्टो, उसी तरह पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, तो जो विशेषता सेल्डन के एंडोमोर्फिक का होगा वही विशेषता क्रेसमन के पिकनिक का होगा, जो विशेषता सेल्डन के मेसोमोर्फिक का होगा वही विशेषता क्रेसमर के एथलेटिक बॉडी का होगा, और जो विशेषता सेल्डन के एक्टोमोर्फिक का होगा वही विशेषता आपके क्रेसमर का एस्थेनिक का होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, एंडोमोर्फ क्या दर्शाता है, तो पिकनिक टाइप बॉडी, ठीक है, पिकनिक टाइप बॉडी को दर्शाता है, तो ये सब आप अपने माइंड से सोचिएगा तब आंसर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पिकनिक टाइप बॉडी को दर्शाता है एंडोमोर्फिक, ठीक है। पिकनिक टाइप में होता क्या है, यानी कि क्या आप इसको एंडोमोर्फिक बोल सकते हैं या पिकनिक बोल सकते हैं, तो इसमें गोलकाय शरीर आता है, ठीक है, गोलकाय शरीर आता है, तो इसको आप सेल्डन के अनुसार इसको हम विसोट्रोनिक के नाम से भी जाना जाता है, तो सेल्डन ने एंडो, मेसो, एक्टोमोर्फिक 3 भागों में बांटा है, इन्होंने एंडोमोर्फिक को अन्य नाम से जाना जाता है विसोट्रोनिक, मेसोमोर्फिक को जो मसल्स प्रधान जो हमारे मजबूत बॉडी होती है, स्वस्थ बॉडी होती है, तो पेशी प्रधान मेसोमोर्फिक को सोमेटोटोनिक के नाम से भी जाना जाता है, जो सुडोलकाय बॉडी होता है, जो एक्टोमोर्फिक होता है जो अस्थि प्रधान संरचना, याद रखिएगा मेसोमोर्फिक मसल्स प्रधान होता है और एक्टोमोर्फिक अस्थि प्रधान होता है, लंबकाय दुबला पतला शरीर जो ज्यादा अंतर्मुखी होता है, तो एकांत प्रिय असामाजिक, ठीक है, और जैसे कि जो एक्टोमोर्फिक होता है उसको सेरेब्रोटोनिक यानी प्रमस्तिष्क प्रधान भी नाम से जाना जाता है, यानी कि एक्टोमोर्फिक एंडोमोर्फिक को विसोट्रोनिक, मेसोमोर्फिक को सोमेटोटोनिक एंड एक्टोमोर्फिक को सेरेब्रोटोनिक अन्य नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
यदि सीखने का उद्देश्य गामक क्रियाओं का सीखना है तो यह क्या दर्शाता है? तो सीखना ये मेंटल आ जाएगा और जो हम क्रिया करते हैं वो शरीर हो जाएगा। तो साइको मोटर यहाँ पे राइट हो जाएगा, साइको मोटर लर्निंग क्या हो जाएगा राइट, साइको मोटर लर्निंग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस प्रकार का स्वीडिश प्रशिक्षण स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फॉर्टलेक, जिसकी खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। सहनशीलता डेवलप होता है इससे, और फॉर्टलेक से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा था। तो स्पीड प्ले नाम से ये स्वीडिश शब्द है, याद रखिएगा, फॉर्टलेक प्रशिक्षण जो एंड्योरेंस को डेवलप करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, सीखने के नियम एक सिद्धांत, सीखने के नियम एवं सिद्धांत लिए जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, तो मानव व्यवहार के ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। एंड जो सीखना क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, WHO का स्वास्थ्य के प्रति विचार क्या है? तो WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा में कहा है कि केवल शरीर रूप से निरोग होना, शारीरिक रूप से निरोग होना, बीमारियों से मुक्ति होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सभी प्रकार से स्वस्थ होना को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा दी है WHO ने, जिसकी 1948 में स्थापना हुआ है। तो WHO के विचार में स्वास्थ्य के प्रति उनकी धारणा है कि पूर्ण रूप कुशलता, पूर्ण रूप से कुशलता, यानी कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सभी प्रकार से वो पूर्ण हो, तभी उसको हम स्वास्थ्य कहेंगे, केवल रोगों से मुक्ति को हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? तो जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है 44×20 फीट डबल्स के लिए, सिंगल्स के लिए 44×17 फीट होता है, तो एक फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें आप गुणा करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा, तो 13.41 मीटर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो यहाँ पे माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, जबकि विस्तार नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि गॉल्जी टेंडन ऑपरेटस क्या है? गॉल्जी टेंडन ऑपरेटस क्या है? तो दोस्तों यह है जो टेंडन होता है कि ताकत नापने का एक उपकरण है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो टेंडन है, लिगामेंट है, इससे किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ ही देगा, तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। टेंडन जो है स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा, ज्वाइंट सब आते ही वो लिगामेंट ही राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस खेल में लिबरो का उपयोग होता है? तो आप सबको पता है वॉलीबॉल में होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की एंजाइटी यानी कि चिंता होना चाहिए? तो वह मध्यम प्रकार का, न ज्यादा न कम, मध्यम होना चाहिए। तो इस चीज को न ज्यादा न कम, उस चीज को हम बोलते हैं टेक्निकली भाषा में ऑप्टिमम, ठीक है। तो ऑप्टिमम एंजाइटी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम एंजाइटी यानी मध्यम प्रकार का। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 50 क्वेश्चन आपका समाप्त होते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा या कुछ मिस्टेक होगा, कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, अब मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। हम सब मिलकर सभी समस्याओं का हल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए, क्योंकि तैयारी कितना है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके एग्जाम हॉल में आपका मन कैसा है, आप हड़बड़ाए हैं कि शांत अवस्था में है। हमेशा शांत अवस्था में एग्जाम दीजिए और सोच समझ के दीजिए, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके सही हो जाएंगे। अगर आपका तैयारी भी अच्छा है, वहाँ हड़बड़ाए हुए हैं, तो ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन गलती हो जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।